नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश अंचल। में हूं आपके साथ महेश जैन। आज हम बात करते हैं नीमच पुलिस की। तो मध्य प्रदेश की नीमच पुलिस इन दिनों अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सख्ती से अभियान चला रही। इस अभियान के तहत एसपी राकेश कुमार सगर व एसपी राजीव कुमार मिश्रा के निर्देशों पर थानों में लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई को लेकर 48 घंटों में पुलिस ने 3 थानों के अंतर्गत 4 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करते 4 तस्करों को धर दबोचा। वहीं 4 तस्करों की तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने 48 घंटे के अंतर्गत 323 किलो अवैध डोला चूरा सहित 17 किलो अफीम की बड़ी कार्रवाई नीमच में करी गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर नीमच से, जहां 48 घंटों में पुलिस ने 3 थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 4 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें 323 किलो अवैध डोला चूरा व 17 किलो अफीम सहित 4 तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा। वहीं 4 अन्य तस्करों की पुलिस तलाश कर रही है। एसपी राकेश कुमार सगर ने जानकारी देते हुए बताया कि सबसे बड़ी कार्रवाई आज सिंगोली के थाना प्रभारी आनंद सिंह आजाद के नेतृत्व में की गई, जहां पुलिस टीम द्वारा 15 किलो अफीम के साथ राजस्थान के तस्कर को धर दबोचा। वहीं एक कार्रवाई 66 किलो अवैध डोला चूरा की सिंगोली थाना क्षेत्र में की गई थी। हम आपको बता दें कि कल रतनगढ़ थाना क्षेत्र में 2 किलो अफीम की बड़ी कार्रवाई की गई थी, जहां 2 तस्करों को धर दबोचा। वहीं मनासा तहसील के कुकरेश्वर थाना क्षेत्र में भी जो डोला चूरा से भरी पिकअप का पुलिस ने पीछा करा, इस दौरान तस्कर मौके से पिकअप छोड़कर भाग गया। हालांकि पुलिस ने 4 आरोपियों को उसमें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम लगातार लगी हुई है, पर 257 किलो अवैध डोला चूरा पिकअप से बरामद किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां नीमच ने पिछले 48 घंटों में लगातार कार्रवाई करते हुए 3 थाना क्षेत्र में 4 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और 323 किलो अवैध डोला चूरा सहित 4 तस्करों को धर दबोचा। वहीं 4 की तलाश जारी है। वहीं साथ ही 17 किलो अवैध अफीम भी पकड़ी गई है। देखिए, अभी विगत 2 दिनों में 12 और 13 में 4 प्रकरण NDPS के हुए हैं। एक प्रकरण तो हुआ है रतनगढ़ में दिनेश सनोफ भागीरथ खटीक 36 साल का है, जो अलेड़ और इसका रहने वाला है एक कंचन कॉलोनी मनासा, और उसके साथ में थे बालू राम, ये इसके ससुर। ये दोनों मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और इनके पास 2 किलो अफीम पकड़ी गई है। ये बरेखन गौशाला है रतनगढ़ के अंतर्गत, और ये राजस्थान देने जा रहे थे। तो एक प्रकरण अफीम का थाना रतनगढ़ में हुआ है। सिंगोली में 2 प्रकरण हुए हैं। पहला प्रकरण हुआ है, इसमें 66 किलो डोड़ा चूरा की मात्रा है और इसमें गाड़ी थी स्विफ्ट डिजायर, ये राजस्थान पास गाड़ी है। और इसमें शंकरलाल पिता मथुरालाल जाट, ये जोजवा थाना बिगौद भीलवाड़ा के रहने वाले, और ये 66 किलो डोड़ा चूरा में ये पकड़े गए हैं। ये प्रकरण सिंगोली में कायम हुआ। और एक प्रकरण आज कायम हुआ है, उसमें 15 किलो अफीम के साथ में रामकिशोर पिता रामगोपाल जाट, ये ग्राम अमरपुरा थाना सदर निम्माहेड़ा के रहने वाले, खुद का इनका पट्टा है। और इनका ये कहना है कि पट्टे का हमने विगत 2 साल का जो बचत कर रखा था उसको लेके ये सिंगोली के रास्ते से भीलवाड़ा जा रहे थे, तो हीरो होंडा मोटरसाइकिल में ये पकड़े गए हैं। ये इनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। चौथा प्रकरण हुआ है थाना कुकड़ेश्वर में चूँकि पिकअप गाड़ी का पीछा करते हुए पुलिस पार्टी जब गई, तो वो चूँकि पुलिस को कट मार के ये गाड़ी आगे निकल गई और आगे चल के ये इसमें जो आरोपी थे वो भाग गए। इसमें जो मात्रा है वो 357 किलो है, और ये इसमें जो आरोपियों के नाम चिन्हित हुए हैं उसमें सुंदर पिता नाथूलाल राठौर, ये बड़कुआ के रहने वाले हैं, और जालिम सिंह है, ये पिपलिया नाथावत के हैं, और मोहन पिता सीताराम गुर्जर, ये जेथल के हैं। इसमें जालम सिंह जो है वो पायलटिंग कर रहे थे, और बाकी जो 2 लोग हैं सुंदर और मोहन, इनका माल है। और ये चूँकि इसमें जो ड्राइवर है वो चूँकि इसकी गाड़ी, ये भी जो चूँ पकड़े जाएंगे तो इससे पता लगेगा कि माल कहाँ ले जा रहे हैं। इस प्रकार टोटल 4 मुकदमे 2 दिन में जिला नीमच में NDPS के पंजीवत किए गए हैं।